आज के समय में लोगों के एंटरटेनमेंट का मन पसंदीदा जरिया है मूवीज़। हर हफ्ते अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, कई मज़े के लिए जाते हैं तो कई कंटेंट के लिए, और इसी वजह से आज मूवीज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। हर हफ्ते कई मूवीज़ फ्लॉप होती हैं तो कई सुपरहिट, और इन्हीं से इनकी कमाई पर भी असर पड़ता है। कई मूवीज़ घाटे में जाती हैं तो कई कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की टॉप 10 वो फिल्में बताऊंगा जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करी है, और ये जानना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि अवेंजर्स एंड गेम इस लिस्ट में है भी या नहीं, और अगर है तो कौन से पोजीशन पर। नंबर 10, लिस्ट शुरू होती है 2011 में रिलीज हुई हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 से। इस फिल्म ने 1.341 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी, जो करीब 9300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये फिल्म हैरी पॉटर की सीरीज में आखिरी फिल्म होने वाली थी, और इसी वजह से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक थे। इस फिल्म में हैरी पॉटर अपने दोस्तों के साथ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के लिए निकले होते हैं। नंबर 9, इस पोजीशन पर है इस लिस्ट की पहली मार्वल मूवी ब्लैक पैंथर, जो 2018 में रिलीज हुई और इसने 1.345 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी। इस फिल्म के पहले दुनिया भर में एक स्टीरियोटाइप था कि किसी भी ब्लैक सुपर हीरो पर मेन स्ट्रीम फिल्म हिट नहीं हो सकती, और इसी वजह से बहुत कम लोग इन फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे। पर मार्वल की इस फिल्म ने स्टीरियोटाइप को बखूबी खत्म कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में खुद का एक मार्क छोड़ दिया। इस फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह है, टशाला के पिता की डेथ के बाद उन्हें वकांडा का राजा बनाया जाता है, पर टशाला को उसका अमेरिकन स्टेप ब्रदर इस क्राउन के लिए चैलेंज करता है, और इन दोनों के बीच की बैटल के ऊपर ही पूरी मूवी बेस्ड है। नंबर 8, पिछली फिल्म की तरह ये फिल्म भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने 1.4 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी। इस फिल्म में सभी अवेंजर्स मिलकर अल्ट्रॉन, जो कि एक एआई होता है, उससे लड़ते हैं। ये फिल्म हमें एमसीयू के 3 नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराती है, जिनमें पिएट्रो, वांडा और विजन शामिल हैं। नंबर 7 पर है फ्यूरियस 7, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.516 बिलियन डॉलर्स कमाए। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हर फिल्म अभी तक ब्लॉकबस्टर रही है, पर जो चीज फ्यूरियस 7 को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है वो है पॉल वॉकर। 2013 में हुई पॉल वॉकर की अनटाइमली डेथ के कारण पूरी दुनिया उनके जाने का शोक मना रही थी। समय के साथ लोगों के दिमाग में सवाल भी आने लगा था कि अब फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में पॉल वॉकर के कैरेक्टर का क्या होगा। इस सवाल ने इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ दी, और इसी वजह से दुनिया भर से बहुत ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए। इस फिल्म का एंडिंग सीन, जिसमें विन डीजल और पॉल वॉकर अलग अलग रास्तों पर जाते हैं, वो आज तक के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक माना जाता है। नंबर 6 पे एक और बार मार्वल की ही मूवी है। 2012 में दी एवेंजर्स रिलीज हुई, और ये वो पहली फिल्म थी जिसमें सभी एवेंजर्स एक साथ आकर दुश्मन का सामना करते हैं। इस फिल्म ने 1.518 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी, और जो भी फिल्म देखने आया वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर गया। निक फ्यूरी वो इंसान है जिसने पहली बार सभी एवेंजर्स को एक साथ इकट्ठा करा, क्योंकि लोकी और चिटौरी अर्थ पर टेसरेक लेने आए थे और उनको रोकना बहुत जरूरी था। इस फिल्म ने सुपर हीरो फिल्म्स की कैटेगरी में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। पांचवी पोजीशन पर है 2015 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड, जिसने 1.6 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी। इस फिल्म में इंडियन एक्टर इरफान खान भी होते हैं, जो एक जुरासिक पार्क को मैनेज करते हैं, पर जब वहां का एक डायनासोर तबाही मचाने लगता है, तब क्रिस प्रैट यानी ओवन को बीच में आकर सिचुएशन संभालनी होती है। जुरासिक पार्क हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है, और इसके फैन दुनिया के हर कोने में हैं, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक आइडिया पर बेस्ड होती हैं, जिसमें आज के समय पर डायनासोर्स होते हैं। फोर्थ पोजीशन पर है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। 2018 में रिलीज हुई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सफल होने के पीछे कई कारण रहे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था कि ये फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरी हुई थी, और इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज एक साथ आने वाले थे। एक कारण ये भी था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले इंटरव्यूज के जरिए फिल्म की कास्ट ने अपने इंटरव्यूज में कुछ स्पॉयलर्स दे दिए थे, जैसे कि एक बार मार्क रफलो ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म में सभी एवेंजर्स मर जाते हैं। इस इंटरव्यू के बाद इस फिल्म की हाइप और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। वैसे तो स्पॉयलर्स देने से फिल्मों को नुकसान होता है, पर इस फिल्म के केस में इन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस फिल्म में सभी एवेंजर्स थैनोस का सामना करते हैं, और थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस फिल्म के अंत में क्या होता है वो तो आप सभी जानते हो। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.048 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी। तीसरी पोजीशन पर है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, जो 2015 में रिलीज हुई और इसने 2.068 बिलियन डॉलर्स की कमाई करी। दुनिया में दो तरह की ऑडियंस है, एक वो जिसने स्टार वॉर्स देखी है, और दूसरी वो जिसने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें लगता है कि ये एक वियर्ड स्पेस मूवी है,
और इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, और जिन्होंने देखी है वो इस फिल्म की फिल्म इंडस्ट्री में अहमियत बखूबी जानते हैं। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। सेकेंड पोजीशन पर है 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्टिंग से लेकर जेम्स कैमरन के डायरेक्शन तक सब कुछ परफेक्ट था। ये फिल्म एक रेवोल्यूशनरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने लोगों को बताया कि एक फिल्म किस हद तक सफल हो सकती है। ये फिल्म 1912 में डूबे टाइटैनिक शिप की कहानी पर आधारित है। फिल्म का मेन प्लॉट जैक और रोज की लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस फिल्म की इमोशनल एंडिंग ने इस फिल्म को और महान बनाया और इस फिल्म ने करीब $2.1 बिलियन की कमाई। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद नंबर वन पोजीशन पर एवेंजर्स एंड गेम होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक वो फिल्म $1.2 बिलियन की कमाई के साथ 18वें स्थान पर है। और गौर करने की बात यह है कि ये कमाई इस फिल्म ने महज 3 दिनों में करी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये फिल्म 1-2 हफ्तों में नंबर 1 पोजीशन पर होगी, पर अभी के लिए नंबर 1 पोजीशन पर है एवेटार मूवी, जिसने $2.7 बिलियन की कमाई करी थी। 2009 में रिलीज हुई ये फिल्म एक वर्ल्ड वाइड हिट साबित हुई। असल में तो इस फिल्म की प्लानिंग 1994 में शुरू हो गई थी, पर उस समय जो जेम्स कैमरन का इस फिल्म के लिए विजन था वो उस समय की टेक्नोलॉजी से हासिल नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए उन्होंने सालों तक इंतजार करा और 2009 में इस मास्टरपीस को दुनिया के लिए तैयार करा। तो दोस्तों, ये थी आज तक की top 10 हाईएस्ट रनिंग मूवीज। आपको इस लिस्ट में से कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगती है, और ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है पर इस लिस्ट में नहीं है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।